केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में अपने निजी प्रयासों से बनाए जा रहे ऑक्सीजन बैंक के हमीरपुर व बिलासपुर ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास व 160 ऑक्सीजन सिलेंडर, 108 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर व अन्य मेडिकल उपकरणों को दिल्ली से हिमाचल के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है। इन उपकरणों से तुरंत 330 बेडों को निर्बोध ऑक्सीजन सप्लाई मिलने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की उपयोगिता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश विशेषकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी ना आने पाए, इसलिए मैं अपने निजी प्रयासों से ऑक्सीजन बैंक बना रहा हूँ। 300 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, 3 ऑक्सीजन प्लांट व 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों को मिलाकर एक ऑक्सीजन बैंक जो कि 700 बेडों को निर्माण रूप से दो सप्लाई करने में सक्षम होगा। स्थापना कार्य शुरू हो गया है। आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हमीरपुर व बिलासपुर में लग रहे 140 LMP के ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास, 160 ऑक्सीजन सिलेंडर, 108 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर व अन्य मेडिकल उपकरणों को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन उपायों से हिमाचल में 330 बेडों को तुरंत प्रभाव से निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी। आदरणीय नड्डा जी व इस अवसर पर वर्चुअल जुड़कर अपना आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे इन प्रयासों से हिमाचल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। अनुराग ने कहा कि जिस तरह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा के संगठन के मूल मंत्र को आत्मसात कर पूरी निष्ठा के साथ कोरोना आपदा में के कठिन समय में भी देशवासियों की सेवा में समर्पित है, ठीक उसी तरह प्रदेश में जयराम सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। आज मेरे द्वारा एकत्रित किए गए जिन मेडिकल उपकरणों व सहायता सामग्री को नड्डा जी ने हरी झंडी दिखाई, उसमें हिमाचल वासियों के लिए 108 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, 160 ऑक्सीजन सिलेंडर, लगभग 330 बेडों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू कर देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, वैक्सीनेशन आदि में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ मैंने अभी तक अपने निजी प्रयासों से हिमाचल के लिए अनुराग ठाकुर द्वारा 108 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, 105 ऑक्सीजन सिलेंडर, 3,03 प्लाई मास्क, 53,000 N95 मास्क, 25,000 ग्लव्स, 10,200 फेस शील्ड और 13,500 PPE किट के साथ साथ 3500 NRM, 150 पल्स ऑक्सीजन मीटर, 6400 ऑक्सीजन मास्क, 2000 ऑक्सीजन रेगुलेटर, 100 थर्मल स्कैनर, 3500 सैनिटाइजर और 250 नेजल कैन्यूला का प्रबंध कर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग देने का प्रयास किया है। दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचली भाई बहनों को कोरोना महामारी के इस दौर में आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए मैंने अपने निजी प्रयासों से 50 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर यहां पर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को वितरित किया। आगे मैं अपने क्षमतानुसार पारस बनाम मानवता की इस लड़ाई में अपना योगदान देता रहूंगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोरोना आपदा से काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है। केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा